नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास राशियों के सितारे में। क्या कहती हैं आपकी राशियां, आज हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा साल 2019 आपके लिए, ये हम आपको बताएंगे। गौर से सुनिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेष राशि, आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जो काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी, आपको जो काम मिलेगा उसे हाथ से ना जाने दें। आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके जो ग्रह हैं ठीक दिशा में चल रहे हैं और यह आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। वृषभ राशि, आपके लिए आने वाला समय अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना होगा, क्रोध पर ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यानी आने वाला समय आपके लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि वाणी पर ध्यान दें, क्रोध पर ध्यान दें, नहीं तो आपको झटका लग सकता है, परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, साल 2019 में आपको नए वस्त्र मिल सकते हैं, गहने मिल सकते हैं। परीक्षाओं को लेकर आपको चिंता हो सकती है कि परीक्षा कैसे होगी। विद्यार्थी जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उन्हें चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए। अगर छात्र मन लगाकर पढ़ते हैं, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मिथुन राशि वाले छात्रों की किस्मत अच्छी दिखाई दे रही है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और आपको सफलता जल्द मिलेगी। कर्क राशि, साल की शुरुआत पैसे के लेन देन से होगी। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता हो सकती है। शुरुआत आपकी अच्छी हो रही है, स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपको बता दें आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो पैसे की ज्यादा खपत होगी, पैसा ज्यादा लगेगा और आपकी जमा पूंजी से पैसा लगता रहेगा। इसीलिए आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे आपको कई मौकों पर बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई। सिंह राशि, आने वाला साल आपके लिए बेहतर है। तरक्की मिल रही है नौकरी और व्यापार में। आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना होगा, कोशिश करें स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखें। दरअसल देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कई राशि वाले जो हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना होगा, क्योंकि देखिए अगर वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जरा सी लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मौसम चल रहा है, जिस तरीके की स्थितियाँ हैं और उनके अनुकूल जिस तरह से चीज़ें देखी जा रही हैं वो सही नहीं है, ग्रह ठीक नहीं चल रहे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोशिश ये करें कि बाहर की चीज़ों को ना खाएं, घर का बना ही खाना खाएं, वहीं मौसम के बदलते रूप को देखते हुए उसी हिसाब से कपड़ों को पहने, उस हिसाब से कपड़े पहने। कन्या राशि, आपको आने वाले समय में बेहतर लाभ होगा। इस साल आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। नवविवाहित जोड़ों के लिए कुछ महीने परेशानी भरे हो सकते हैं, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि, आप धार्मिक जगहों पर ज्यादा जा सकते हैं। आने वाला साल आपके लिए बेहतर है। आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपको बेहद कई तरीकों से लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये लाभ आपकी किस्मत को चमका देगा। वृश्चिक राशि, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आने वाला साल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप पैसों से जुड़े लेन देन को संभल कर करें, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसे सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि कुछ महीने ही आपके ऊपर परेशानियां बनी हुई हैं, बाकी आपको आने वाले समय में तरक्की और लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। धनुराशि, व्यापार में आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक और सामाजिक लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में आप परेशान हो सकते हैं, किसी चिंता को लेकर, किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं, पारिवारिक मामला भी हो सकता है, लेकिन आपको व्यापार में और आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी थोड़ी समय के लिए है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा बाद में। राशि आपकी जो है और जो ग्रह बता रहे हैं वो यही है। मकर राशि, साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी, लेकिन वाणी पर संयम रखें, अपना आप आना खोएं। साल की शुरुआत अच्छी हो रही है तो कोशिश ये करें जो निगेटिविटी चीज़ें आप लेकर चल रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, आप उसको बंद कर दीजिए, आप उस निगेटिविटी चीज़ों को मार दीजिए और नई चीज़ों को अपने अंदर रखिए, अपने अंदर बदलाव कीजिए। अगर आपने बदलाव नहीं किया है तो बदलाव कीजिए। नए साल में आपको अच्छा करने की कोशिश करनी है और ये चीज़ें आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगी। कुंभ राशि, आने वाले साल में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बीच में रुकावट हो रही है, घबराएं नहीं, आपको लाभ भी होगा, आपको फायदा होगा। बीच में कुछ दिक्कतें हो रही हैं उसे पार कीजिए, उसके बाद आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि, आने वाला साल आपके लिए बेहद शुभ है। नौकरी में प्रमोशन, सरकारी नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम, संपत्ति से संबंधित मामलों पर
आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी मीन राशि वालों की किस्मत चमक रही है, मीन राशि वालों को बेहतर बेहतर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें तरक्की भी ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है।